Hello friends, welcome to Learn Maths. Today we will do chapter number 2, that is fraction and decimal of class 7th. Fraction and decimal. In fraction and decimal, first question arises, what is fraction? Friends, कुछ भी चीज जो a upon b की फॉर्म में होती है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ऊपर वाला इसमें न्यूमरेटर कहलाता है एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है. डी फॉर डाउन, हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, डी फॉर डाउन दैट मीन्स डिनोमिनेटर एंड अपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है. फ्रैक्शन मे बी इन द फॉर्म ऑफ 2/3, 3/5 एंड मेनी मोर, 17/6 एंड मेनी मोर. वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कौन कौन सी फ्रैक्शन हमें मिल सकती है. वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इज, फर्स्ट इज द डेसिमल फ्रैक्शन. फर्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिनको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, लाइक 5/100.05, जिनका न्यूमरेटर, डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जिनका न्यू डिनोमिनेटर, सॉरी फ्रेंड्स, जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म में होता है और जिनको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शन. व्हाट इज वल्गर फ्रैक्शन? फ्रेंड्स, हमें आज तक जितनी भी पढ़ी है उसमें दो टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, या तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है मल्टीपल ऑफ 10, या डिनोमिनेटर 2/3, 3/5, जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 की फॉर्म में नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन. थर्ड पार्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, जिनका न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से. ऊपर वाली छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है. ऊपर वाला इज न्यूमरेटर, नीचे वाला इज डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन वही कहलाती है जिनका न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर. फोर्थ इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सी होती है फिर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की ऑपोजिट हो, लाइक 5/3, जिनका न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिफ्थ इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक 1/5. इसको हम, आपको फ्रेंड्स पता है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली फिगर में और इसको ऐड करते हैं जो आएगा, लाइक 5 × 1 + 1, दैट मींस 5 × 5 + 1, 6/5 इज द फ्रैक्शन. दिस फ्रैक्शन जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं मेनली, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती हैं लाइक 3/5. इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 6/10. इसको लेकिन अगर हम काटेंगे, डिडक्ट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर से यही फॉर्म आ जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कि इसके मल्टीपल करके कोई भी कितने भी बना सकते हैं, लाइक 3/5 × 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड 9/15, या 3 × 4/5 × 4, दैट इज 12/20. दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5. नेक्स्ट पार्ट सेवेंथ. सेवेंथ इज लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन वो होती है लाइक 5/14, 6/14, 20/14. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है,
डिनोमिनेटर सेम होगा, दैट आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन. वॉट इज, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वॉट इज अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स? इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम था, उसमें हमारा न्यूमरेटर सेम होता है. लाइक दिस, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें न्यूमरेटर सेम होता है. नाउ नाइन्थ, नाइन्थ इज, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल 84/98 है. इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती है कि इसका इतना रिड्यूस कर दो कि जिससे कि ये, इसका जो मेन निकल के आया है उसका फैक्टर सिर्फ वन हो. लाइक 2 4 8 2 2 4 2 4 8 2 9 7 6 7 7. तो आंसर विल बी 6/7. इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते. दैट मीन्स इसका एच सी एफ जो होगा ये सिर्फ अब वन वन कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. नाउ लास्ट इज द कंपेयर. हाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन होती है फ्रेंड्स कि हमें कंपेयर करना पड़ता है. लाइक 2/3 है और 4/5 है, तो इन दोनों में से बिगर कौन है? तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 × 10 and 4 × 3, like 20 and 12, which one is bigger? This one is bigger, right friends? ये bigger भी आ सकती है, equal भी आ सकती है, और less भी आ सकती है. This is called comparing fraction. This is called comparing fraction. नेक्स्ट थिंग इज डेसिमल. वॉट इज डेसिमल फ्रेंड्स? हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि लाइक 25.03 इज अ डेसिमल. जितना पॉइंट होता है उतना हटा भी सकते हैं, लाइक राइट 35. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज 35.653. दीज आर द डेसिमल फॉर्म्स. देयर आर two type of decimals, like decimal and unlike decimal. What is like decimal? Like बहुत सारे number 25.03, 55.03, 66.47, जिनके decimal की बात की term, like 1 and 2, 10th and 100th part. 10th and 100th part, 10th and 100th part, they are the same, are called the like fraction. Unlike fraction is 24.01, 26.032, 25.1, 30.6578. These are the unlike fraction, because decimal ke baad ki digits, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में एक है और किसी में चार. दीज आर कॉल्ड द अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन. एंड दिस इज अ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बिकॉज डेसिमल के बाद की डिजिट्स सेम है, दोनों हंड्रेड तक ही जा रही हैं. इसमें थाउजेंड तक भी जा रही है और 10,000 तक भी जा रही है, इसलिए दीज आर द लाइक डेसिमल्स एंड दीज आर द लाइक डेसिमल्स. नाउ फ्रैक्शंस का एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होगा फ्रेंड्स? लाइक 2/3 है प्लस 3/5 है, तो हमें पता है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे. 3 × 3, 10 + 9/15, दैट मीन 19/15 इज द आंसर. ये है एडिशन पार्ट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे? 3/5 − 1/5, लाइक 5 3 − 1
2/5 इज द आंसर. फ्रेंड्स अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो कैसे करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, 3/5 माइनस 6/4, लाइक 5 4s are 20, 3 into 4 माइनस 6 into 5 12 माइनस 30/20, द आंसर इज माइनस 18/20. राइट फ्रेंड्स, नाउ द केस अराइजेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन, हाउ वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन में लाइक 2/3 है, 4/8 है. फ्रेंड्स जितना कट सकते हैं पहले काट दीजिए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 कैंसिल. ऊपर वाले की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज डिविजन, हाउ वी विल डिवाइड. 2/3 डिवाइडेड बाय 5/20, राइट फ्रेंड्स, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते. डिविजन के केस को मल्टीप्लीकेशन का केस बनाने के लिए ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा जो डिनोमिनेटर है, लेकिन डिवाइड के बाद वाली फिगर सिर्फ, और जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आके डिनोमिनेटर हो जाएगा, लाइक 20/5. अब जो कटते हैं 5 1s are 5, 5 4s are 20 काट दो. न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, दैट विल बी योर आंसर. Thank you, friends. If you like my video, please subscribe my channel Learn Maths, and please don't forget to press the bell icon to get the latest video updates. Thank you.